शूज पहन लो फिर उधर ही, जिससे लेट ना हो, टाइम से पहुंच जाए, पहुंच जाए। टाइम हो गया 8:48। सही तो है यार, उसका टाइम सही है, 10 मिनट बाकी, जल्दी चलनी है तो आज फिर ट्रेन छूट जाएगी, तो आज पूरा दिन 12 की है ना, तो अभी कितना 20 मिनट बाकी है, अभी टाइम है मतलब 20 मिनट के लिए, लेकिन ये है कि ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। भाई आज लेट हो गया था जल्दी जल्दी करने में, तो आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, भीड़ बहुत ज़्यादा है, अचानक से तो ट्रेन आई भाई, उधर साइड से घुस गया, जिधर साइड से उतर रहे थे, ये तो अचानक से पूरी खाली हो गई भाई, ये रिवर्स जा रही है रे, नहीं काम है क्या इनके पास आगे पीछे करने का, पहली बार ट्रेन को उल्टा जाते देख रहा मैं, ओह माय गॉड। मैं बोलता था कि वो ट्रेन पे कभी नहीं चढ़ा, ट्रेन पे कभी नहीं चढ़ा, तो 4-5 दिन के अंदर इतने ट्रेन में चढ़ गया तो पेट भर गया भाई, अब मन नहीं कर रहा ट्रेन में चढ़ने का एक भी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल बहुत बड़ा स्टेशन है भाई, ये तो दिखने में लग रहा है यार, रानी विक्टोरिया के महल फाइनल देखा, ओह माय गॉड, अरे ये लपेट ना जाओ, मैं ये तीन टप्पड़ में भाई, ये ट्रेन सोच रहा भाई आगे ले जाके फिर इसको पीछे ले जा रहे हैं, हर रात तारे हैं भाई, टिकट नहीं लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे अभी टीसी ने पकड़ा ना भाई तो भयंकर कटेगा, मतलब 400-500 रुपए तो जाने पड़े रहा भाई, खाली क्यों रहे स्टेशन, ये बंद है क्या ये वाला, उतरना किधर है, ओह माय गॉड, तो ये गिर गया था ये, हाँ भाई ये है जिंदगी, ऑटोमेटिक ऊपर जाना भाई, ऑटोमेटिक ऐसा कुछ नहीं होता क्या, तो गिर ना जाओ भाई, वहीं आगे फेंक देता पूरा, चलना किधर है, अरे यार इसका पंखा देख यार कितना बड़ा भाई, इतना बड़ा पंखा तो भाई कहाँ लगा होगा, रेलवे स्टेशन देख यार भाई साहब, भाई तो बता रहा हूँ भाई, लेकिन मोटर कितना बड़ा होगा भाई, इतने में पता नहीं कितने पंखे चल जाए, और पूरा दूर दूर तक खाली रेलवे स्टेशन, कितना साफ सुथरा स्टेशन है, यहाँ पे मेट्रो मेट्रो चलती पूरी, अरे मेट्रो बार बार मेट्रो मन में आता, लोकल लोकल चलती है, मुझे लगा नीचे सब्वे, ये तो बाजार है रे, इतने सब्वे ही तो हुआ ना जमीन के अंदर बनाया है पूरा, यार अच्छा लग रहा है वैसे, वो डबल स्टोरी बस भी है इधर, वाह एसी वाली है क्या, अंदर गर्म रहता है इधर बाहर ठंडा लग रहा है, ओ भाई साहब, अरे ये वही है जो रावण मुंह में भी गिरता है, यही है जो सीन दिखाता है लास्ट में, ट्रेन से टकरा के पूरा ट्रेन वहां अंदर टकराती है और ये बाहर से गिर जाता है, इधर भी तो बना, ये क्या मुंबई महानगर पालिका, भाई महानगर पालिका तगड़ा है, मुंबई से आया मेरा दोस्त, ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन ऑरन रूम है, तो भाई अभी जा रहे हैं ताज होटल देखने के लिए, और भाई इधर मुंबई की ना मतलब साफ सफाई भी है, मतलब जैसे मूवीज वगैरह में वो फॉरेन का नहीं दिखाता एकदम वैसे ही लग रहा है, तो बहुत तगड़ा है, और मेरे को सबसे तगड़ा भाई ये लगा, क्या बोला कहाँ चल रहे हैं, हाँ तेरा फिसलना चाहिए, पैर मेरा फिसलता है, लेट हो रहा है ना हमको, बहुत सारा काम है, फिर टाइम नहीं ना हमारे पास, अभी आप 5 मिनट बोले 5 मिनट से हो गया भाई, अभी जा रहे हैं होटल ताज देखने और गेटवे ऑफ इंडिया, और जैसे अभी मैं टर्मिनल दिखाया, अभी आज के एक कुछ और बताऊंगा, तो हमने भाई टैक्सी की है, शेयरिंग वाली टैक्सी की है, आप यहाँ पे आओ ना तो शेयरिंग वाली टैक्सी करो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भाई अगर नॉर्मल आप करोगे ना तो आपसे 150 रुपये लेंगे, और इसमें अगर शेयरिंग करोगे 30-30 रुपये लेते हैं, तो आपका एक बार और आना और जाना दोनों हो जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल आप खुद के लिए बुक करके जाओगे तो फिर आपको डबल पड़ जाएगा, कभी भाई टैक्सी वाला ही लेट कर रहा है, बहुत मारेंगे 20-20 देना ना भाई, क्या एक ही शेप पे बनी है भाई बिल्डिंग, सुना एक चीज दिखाऊं, वो देख जीप रेंगलर, नहीं रे जीप रेंगलर है वो, एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप आओ ना गेटवे इंडिया और ताज होटल ताज के पास, तो आप खुले में कोई भी कचरा मत फेंको, या तो आप अपने पॉकेट में डालो या फिर उसको संभाल के रख लो और उसको फिर किसी डस्टबिन में डालो, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया और किसी ने देख लिया तो फिर आपको चलान भी कट सकता है, वैसे कोई देखता नहीं है बट अगर बाय मिस्टेक दिख गया तो भाई चलान कट सकता है, यहाँ भी कबूतर है भाई आज तगड़े,
हाय कबूतर्स, वेयर इज मसक कली? इनमें से एक मसक कली होगी ना भाई। भाई साहब यहाँ से समुंदर का व्यू तो और तगड़ा रहा भाई। अरे बाप रे, ये बोट में जा सकते क्या इन वाले पे? ये किस लिए भाई? टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया ना, क्योंकि इतनी सारी बोट है भाई, देख ले। और वो देख वो, ये वो बड़ी बड़ी जो शिप खड़ी है भाई, ये वही है ना, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली है, वाले जो कंटेनर्स में सामान बाहर अदर कंट्रीज से लाते हैं ना भाई, ये वही शिप्स है। लेकिन इधर साफ सफाई बहुत ज़्यादा है ना, और मतलब खौफ तो है भाई लोगों का, मतलब पुलिस वालों का। प्यार एक बोट दिला दो यार, मैं वो शिप के पास चला जाऊँ यार। समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे। यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं। ओए तूने वो एक चीज नोटिस की भाई, वो देख सुपर बोट है ये, वो वाली। अरे वो देख, वो सुपर बोट है, वो सुपर बोट नहीं है, सुपर बोट वो है, वो ब्लैक वाली और वो व्हाइट वाली भाई। उनका डिजाइन ही एकदम से बना रहा था रेसिंग कार जैसा, कड़क लगती है भाई कुछ भी हो, एकदम ये एकदम लग्जरी टाइप। मसक कली उड़ गई भाई, मेरी आवाज खराब है, कौआ नहीं उड़ा, कबूतर उड़ गए। ओए ये रेंट भी मिलती क्या भाई? मूर्छा लगा, टायर भी नहीं है। अच्छा स्कैन करो और ले जाओ। एक दिन यहाँ था समुंदर मेरा होगा, काश ऐसा डायलॉग बोल पाता मैं। बोल दिए था वहां सही लगा, जागीर चली जाएगी बहन, सात पुस्तों की एक हिस्सा खरीदने में, छोटा सा। अब हिस्सा मतलब वो तो मत सोचो मैं आधा बोल रहा हूँ, इतना इतू सा हिस्सा खरीदने के लिए। गाड़ी उठा लो रे बाबा, मेरी गाड़ी उठा लो, तिरमौर में रखी जाके एमपी में उठा लो ना भाई, प्लीज जल्दी वहाँ से हटो। उठा लो भाई, यहाँ भी कचड़ा फैला है, समुंदर तक नहीं छोड़े बोले, समुंदर बहुत बड़ा है, लील लेगा इतना कचड़ा को। ठंडी हवा चल रही ना भाई, इधर बहुत कड़ाक चल रही है, जैसे धूप है उसके हिसाब से ठंडी हवा ही चल रही है। और भाई ये सबसे बढ़िया ताज होटल लग रहा है भाई, मेरे को पता क्या लग रहा था, जो ताज होटल है और गेटवे ऑफ इंडिया ना अलग अलग जगह पे, मेरे को भी यही लगा, ध्यान से देखा ही नहीं भाई, लेकिन अभी पता चल रहा है कि दोनों सेम जगह पे है। हम तो यहाँ पे थक गए भाई, बहुत ज्यादा धूप थी, तो थोड़ा सा यहीं पे आके रेस्ट करने लगे, रोड पे यहाँ पे बैठ गए आराम से, और यहीं से बहुत अच्छा व्यू भी आ रहा है सामने का, और सब कुछ देख रहे हैं भाई, एक एक चीज देख रहे हैं यार, कैसे मतलब मैं सही बताऊँ, मेरे को गाड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी दिख रही है यहाँ पे, एक से एक बढ़ के, जो मतलब कभी ड्रीम है, गाड़ी बिना चेक हुए तो अंदर जा ही नहीं सकती है, चाहे कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, मेटल डिटेक्टर लेके है वो चेक होगा तब उसके बाद अंदर जाती हैं गाड़ियाँ। तो भाई अभी जैसे उधर तो देख लिए पूरा, और अभी चलो यार गेटवे ऑफ इंडिया के पास चलते थोड़ा सा। वो अंदर किधर चल रहे हैं? तो बंद है पूरा, फ्रंट से बोले उधर से भाई। फाइनली तो ये रहा भाई गेटवे ऑफ इंडिया, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है ना जैसे समुंदर के किनारे है ना ये, मेरे को लग रहा है जैसे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता ना शिप्स का, तो मतलब ये सेम वाला, जैसे पहले बाहरी कंट्रीज आते थे ना, कंट्रीज के लोग आते थे, तो ये मेरे को लग रहा है सैम्बल था कि भाई अभी ये इंडिया का गेट, इसमें दर्शाया गया है कि शी रूट के लिए, और ऐसा होगा भी रीज़न। और यहाँ से भाई दो दो व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, पहला एक इसका आप देखो, और दूसरा इसका भी, ये तीनों चीज़ बहुत अच्छी आ रही है। DSLR से बहुत लोग फोटो खिंचा रहे हैं, जैसे अभी ये आप नॉर्मल फोटो खिंचा सकते हो, नाइस फोटो। अभी ये लोग ऐसे लेके खड़े रहते हैं डेमो कि भाई आप इनसे फोटोज खिंचवा लो, बहुत लोग खिंचवाने लगे हैं, मेरे को लग रहा है सभी लोग खिंचवा रहे हैं। और अभी ये रहा एकदम पास से व्यू, अच्छा लग रहा है, क्या बना भाई उसमें, कुछ लिखा हुआ है, क्यून मैरी किंग जॉर्ज। एक चीज़ दिखाता हूँ है ना ये भाई, पढ़ लेना ठीक है ना, अभी मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, आप लोग आराम से पॉज करके पढ़ लेना। वो पकड़ ले बताई एक चोटी ऐसे अरे नहीं भाई, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है भाई, और जिसको पढ़ना होगा भाई पॉज करके आराम से पढ़ लेना। दो फॉरेनर्स है, भीड़ लगी हुई, देखो भाई वो देख रहे हो उसको लड़ाई, अब मैं फर्म फास्ट हम फास्ट भाई भीड़ हो गई सेल्फी के लिए, भीड़ लग गई, देख ना लौंडों को देख भाई, पहले कितने हरामी लौंडे भाई, आंटी को देख भाई कितने हरामी लौंडे रे, भीड़ लगा दी एकदम से, पहली बार देखे हो वहाँ से व्यू भी, मेरे को लग रहा है कुछ व्यू पॉइंट में तगड़े आ रहे हैं उधर, उधर पास से देखते हैं भाई, इधर से बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। और भाई ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया का, इधर से अंदर है ही क्या, बस गेट में तुमको बताना है उतना एग्जांपल होगा इसका, जितना मैंने आप लोग कभी बताया ना कि क्यों बनाया गया था ना। यहाँ पे ये पोर्ट है, वो जो शिप अभी रवाना होगी ना वो वाली, तो ये यहीं पे आके रुकती है, तो यहीं से फिर लोग उस शिप में डायरेक्ट बैठते हैं, और शायद से यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो यहाँ पे टिकट भाई, टिकट के लिए तो मारा मारी चल रही है, बहुत भीड़ है भाई। ये कहाँ तक जाती है बोट? ये बोट कहाँ तक जाती है? एलिफेंटा, वो जहाँ बड़ी वाली शिप है, एलिफेंटा इससे भी आगे
भाई 20,000 चार्ज क्या रहता है इधर क्या बताऊँ। चेक और आगे भाई बटोर लेना ले जाए इनको लहरे लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ अपनी है कितनी क्या तेरी एक बॉक्स अखा मुंबई इधर से नाप लो अभी ओ भाई ये कार है मैं बैठ जाऊंगा भाई अरे खड़ी हो जाएगी भाई यहाँ पे अभी ये देख कड़क बांध दिया उसने अभी हाँ लहरे इधर लाइन लग चुकी है अभी भड़बड़ा के चढ़ेंगे भाई पटरा लगाएंगे भी अभी इधर ये बच्चे बच्चे कैसे चढ़े ना हाथ दे के चढ़ाते अभी इसको और गांठ मारना चाहिए यहाँ पे टायर पता क्यों लगाया ये टकरा के टूट ना जाए अंदर रसकला अंदर रसकला नहीं है पता ना देखो वो जो आ रही ना ये इसमें अभी एक अभी बोल दो कौन से देखो चाहिए बताओ कौन से अच्छी लग रही जल्दी इतना जल्दी नीछे नहीं घुसेंगे अगर तुम्हें छोड़ के जाऊंगा ना तो फिर मेरे को मन करेगा भाई अगली बार भी आऊं इधर समझ रहे ना तो अगली बार जाने के लिए एक बहाना छूट रहा है मेरा भाई साहब हाथ पकड़ पकड़ इनको भाई जैसे यहाँ पे पटरा लगा भी नहीं सकते जो पटरा आता ना वो पटरा समझ जाओ लकड़ी का जो आता है ये हाथ पकड़ के पूरा चढ़ा रहा है भाई थोड़ा रिस्की भी है बच्चों के लिए आंटी गिर गई थी भाई भाई लहरें देखना ये देखो पूरी सीढ़ी दिखी ना दिखे और अभी ढक जाएगी पूरी चलते हैं दूसरी जगह के लिए बहुत ज़्यादा धूप है इधर इसको तो देख लिया पेट भर गया सही बताऊँ तो मतलब नहीं है अरे मतलब अच्छी चीज़ है मतलब अपने इंडिया की चीज़ें तो ऑफिस की बात अच्छी है एक चीज़ तो मैंने मिस ही कर दी यार माफ़ करना यार हमारे महाराष्ट्र की शान छत्रपति महाराज ये कहना उधर से आया ना मैं तो नीचे आया था ना भाई तो पेड़ पौधे तो मैं देख नहीं पाया लेकिन भाई अपने महाराष्ट्र की शान तो यहीं पे है वाह मज़ा आ गया भाई एक नंबर अभी चलते हैं भाई यहाँ से निकलेंगे गाड़ी पकड़ेंगे सुबह से कुछ खाया है तो पहले कुछ खा लेते हैं बढ़िया तगड़ा और भाई यहाँ फॉरेन क्या बोलते रहे विदेशी बहुत हैं इम्पोर्टेड गर्मी बहुत ज़्यादा भाई ठंडी में भी गर्मी पड़ती है यहाँ पे मतलब उतनी नहीं थी कि यहाँ पे ठंडी तो महसूस ही नहीं होती है और भाई फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा और यहाँ पे भाई कुछ खाने पीने का मिलता है आप मतलब अगर कोई आ रहा है तो फिर यहाँ पे भाई आराम से खा पी सकता है बट भाई एक चीज़ बताऊँ थोड़ा महंगा है कि जमीन पड़ गई कम पड़ गई तो भाई बिल्डिंग के छत में टावर लगा दिए ऐसे टावर तो हमारे गांव में खेत में लगते हैं तो भाई देखो अभी जा रहे हैं FS मार्केट यहाँ पे बहुत फेमस मार्केट है बोलते हैं ये तो भाई इस इलाके में तो एक बार चलो उसको भी देख लेता हूँ भाई जल्दी से ट्रैफिक लाइट क्रॉस करो कैमरा मैन फोकस करो फैशन स्ट्रीट पे आए थे FS मार्केट आए थे और पीछे दूर दूर तक ऐसे ही रोड किनारे पूरा मार्केट लगा हुआ है लिटरली बताऊँ मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया भाई मतलब चीज़ों के हिसाब से रेट बहुत ज़्यादा थे और चीज़ें भी उतनी कुछ खास नहीं थी बट ये थे कि वैरायटी में काफ़ी चीज़ें मिल रही थी कुछ भी खास पसंद नहीं आया तो अभी भाई निकल रहे घर की तरफ भाई यहाँ कुछ फेमस हो ना हो लेकिन मुंबई की भीड़ बहुत फेमस है अभी देख लो बहुत बड़ा स्टेशन है मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म बने सारी ट्रेन लगी है और यहीं से ट्रेन स्टार्ट होती है हर जगह के लिए लगभग जो इधर साइड जाती है सेंट्रल से ही अला पंखा इतना बड़ा मैं यहाँ बाकी कुछ देख ही नहीं रहा मैं पंखे देख के पागल हूँ भाई देख लो रिवर के लौंडो पंखा जो जो ना देखा हो तो अरे मतलब पंखा देखे हो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है कि इसमें टोटल भाई 18 प्लेटफॉर्म है समझ रहे हो 18 प्लेटफॉर्म और अपने साइड कितने होते हैं 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 18 प्लेटफॉर्म है लगता है कोई गेम वेम देख रहा हो जिधर से देखो उधर से पब्लिक दिख रही चलते हुए देख लो इधर भी पब्लिक चलते हुए दिख रही इधर भी पब्लिक और पब्लिक कहाँ वो अंदर तक वहाँ तक ठीक है ना अरे पैं पैं कर ही रही है भाई और इधर भी देख लो पब्लिक चल रही है इधर ही पब्लिक चल रही है अरे भाई साहब लोग एक स्टोरी सुने थे जल्दी कर पनवेल निकल रहे हैं ये देखो पनवेल आसपास ही पड़ता है भाई फाइनली आ चुके हमारी फिर से लोकल ट्रेन CSMT कौन से वाले इसी में ये लेडीज वाली है भाई लेडीज वाली देख रहे हो भाई रश देख रहे हो अभी सब देखो कैसे भाग भाग के चढ़ रहे हैं चलो भाई साहब पहुंच गए चल TC न मिल जाए कहीं की बैंड बच जाए 8 से 8, 12 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी निभा के आ रहे तो भाई देखो यार सुबह सुबह क्या सीन है इधर समझ रहे हो ये देखो
मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई इस मौसम में भी इतना गंदा फॉग कैसे हो सकता है। अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई है लेकिन फॉग देखो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सर्दी का मौसम हो। और भाई कल मैंने ये ब्लॉग खत्म नहीं किया था क्योंकि भाई उधर से हम आए थे और सीधे सो गए थे यार, बहुत ज़्यादा नींद लगी थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे, खाना पीना खा के तुरंत सो गए थे। तो भाई ये वाला ब्लॉग अभी ख़त्म करते हैं और इसके बाद तुरंत नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो भाई अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरी आवाज़ भारी भारी लग रही है, मैं भी कार्टून लग रहा हूँ ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठा तो मैं बालकनी में आया भाई, मेरे को ये व्यू बहुत तगड़ा लगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।